आज नायब सैनी ने थानेसर हलका के दर्जनों गांवों का दौरा किया। गांव बहादुरपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोबारा फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनको तो अपना प्रत्याशी ही नहीं मिल रहा। कांग्रेस पार्टी ने तो देश को भ्रष्टाचार के दलदल में धकेल दिया है, वहीं माहौल भी एक तरफा हो गया है और भारी बहुमत से भाजपा सरकार से समर्थन मिल रहा है। भारत माता की वंदे मातरम। जी सर, क्या बताएंगे? हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के हमारे केंद्रीय भाई जनार्दन सिंह सैनी जी के मेरी विधानसभा के दौरे हैं। मैं दावे से कहूँगा किस प्रकार से भाई जनार्दन सिंह ने आपको बताया ही है कि आज जो जनसलाव है एक तरह मन बनाया बैठा है। अभी सभी गांव से हमारे हैं, वही बक्तला से आपका सिंहपुरा अपना गुहानीखेड़ा सभी गाँव से होते हैं, आप भादोपुरा में हैं, आप देख सकते हैं गाँव के अंदर छोटा बच्चा से लेकर बुजुर्ग तक सभी पहुँचे हुए हैं। इसका मतलब है कि नायब सैनी तो आपके हल्के से कितनी वोट लेकर जाएंगे? मैं अपने हल्के से ये कहूँगा, डॉक्टर प्रमोद सैनी जी मेरे पीछे खड़े हैं, मैं उनसे समाप्त कहूँगा कि नौ की नौ विधानसभा में से तो मेरे बहादुरपुर के लोग बहादुर सबसे ज्यादा वोटों से हमारी विधानसभा। इस मौके पर लाडवा विधायक डॉक्टर पवन सैनी, थानेसर विधायक सुभाष सुधा, जिला अध्यक्ष धर्मवीर मिर्जापुर डॉक्टर शकुंतला शर्मा, एससी मोर्चा के जिला अध्यक्ष रामपाल पाली, गांव के सरपंच जसविंदर सिंह सैनी भी आदि लोग मौजूद रहे। अर्थ प्रकाश टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से कुलतार सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।